मालूम है संग्राम सिंह, आपको आपको मालूम है देश पहले, पहले कितना कितना समय लगता था ट्रांसफार्मर बदलने में, अब घंटों में शहरों में और घंटों में ट्रांसफार्मर बदली जाए। अध्यक्ष महोदय आप प्लीज, माननीय मंत्री जी बड़े संघर्षों के बाद मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया, दो बार उन्होंने कहा। अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर इनकी योजना थी कि इतने घंटों में बदल देंगे। माननीय मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं, कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपने एक बिजली का कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूं और आदर के साथ उनकी बात का मैं जवाब भी देना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि जो बिजली की बिलिंग के सिस्टम में जो खामियां हैं वो आज की नहीं है, आप जब मुख्यमंत्री से तब की है, और ऐसे 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 मैंने कहा कि बबूल, मैंने कहा कि उस बबूल को समूल नष्ट करने का काम मैं कर रहा हूं, और 2500 मीटर रीडरों और ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया कुछ महीने पहले। डॉक्टर संग्राम सिंह प्रश्न के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न के अध्यक्ष, डॉक्टर संग्राम सिंह माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट के लिए बोलना चाहिए, माननीय नेता विरोधी दल ने सरकार से पूछा है, हम सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। 2017 से पहले वर्मा जी, 2017 से पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए, उनको पूरे प्रदेश की चिंता ना होती है। स्वास्थ्य मंत्री जी का अगला सवाल है, इसलिए चिंतित पहले ही हो रहे हैं, अभी डेंगू पे बात करेंगे आपसे। मेरा निवेदन है, देखिए माननीय उपमुख्यमंत्री जी प्लीज बैठिए, नहीं अब आप बैठिए, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बैठ, आई डोंट अलाउ दिस, मैं ये अलाउ नहीं कर रहा, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए माननीय मंत्री, बैठिए योगेंद्र जी, माननीय मंत्री जी बैठिए, नहीं मैं खड़ा हूं आप ही तरफ देखिए, योगेंद्र जी अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं खड़ा हूं ना आपको मुझे देखना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय संग्राम सिंह। अच्छा ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अवसर दिया, मानो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं, ना जाने इनको बबूल की क्यों याद आती है, अरे आप लखनऊ शहर में रहते हैं, यहाँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने माने हमारे नेता माननीय, अरे सर मैं बबूल पे बोल रहा हूँ, बबूल में बबूल पर नहीं है, जर्जर तारों पर है, जर्जर तारों पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया, यहाँ क्रोशिया कंबोडिया मॉनसून का तड़ लगाया है। अब अगर आप इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज, तो मानो डॉक्टर नागरी जी के प्रश्न से ही मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखन पढ़न में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत तेज, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में रुकते, कुछ दिन मऊ कुछ दिन आजमगढ़ और अपने विभाग की समीक्षा कर लेते
तो ये एजराओं का जो बड़ी विस्तार से बदल करते हैं, 1000 करोड़ दे दिया, 1300 करोड़ दे दिया, इतना इनकी जो योजना माने जो इन्होंने कहा कि RDSS बिजनेस प्लान ADB, मैं मानवर जहां उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता, कोई जनता आए उन्हें क्या इन कंपनियों पर आपका कोई नियंत्रण है, क्या आपके अधिकारियों का इन पर कोई नियंत्रण है? मैंने कई बार इस मुद्दे को कई जगह मिलकर के अनुरोध किया कि जो दर्दर तार हैं और जो खराब ट्रांसफार्मर हैं वो बदल दिए जाए, लेकिन आप तलक आजमगढ़ जनपद में जहां आपका आना जाना होता है और एक भी गांव ऐसा नहीं है कि और एक भी कहीं यहां 2-4 किलोमीटर तार बदले हो, और ट्रांसफार्मर की तो ऐसी गुणवत्ता पता नहीं कौन कंपनी गुजरात की है कि कहां की हमें नहीं पता है, वो ट्रांसफार्मर जैसे लगा देता मानवर वैसे उड़ जाता है। तो मंत्री जी का लिखने पढ़ने में तेज है, तो हमने इतने नए ट्रांसफार्मर लगाए, हमने इतने नए जोड़ दिए, आप घर जाते तो सुबह सबसे ज्यादा गरीब रोते हुए आरा विधायकों के पास, आपके विधायकों के पास भी, और उनको सबसे ज्यादा शिकायत है कि हमारे गांव का 2-2 महीने 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। आपके बिजली के जो जर्जर तार हैं उससे खुद आजमगढ़ की अगर समीक्षा कर ले और अपने अधिकारियों से पूछ ले कि इन जर्जर तारों से कितना गेहूं की फसलें नुकसान हुई थी, कितना आपके लोगों की जान हानि हुई थी, तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। और जो बिजनेस प्लान की आप बात करते हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बिजनेस प्लान में विधायक अपने क्षेत्रों की बात रख देता था तो अधिकारी गंभीरता लेते थे। आज जब आपके अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो कंपनियों का रोना रोते हैं, आप बोलते हैं बबूल का थे, पूरे देश को आप कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, पूरे ऊर्जा विभाग को आपने आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया, आपके पास करोड़ कर्मचारी नहीं, आपके पास लाइन मैन नहीं, मैंने एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि कोई जगह बिजली काटने का आदेश नहीं दिया गया, मेरे क्षेत्र का गजेंद्रपट्टी अजगरा गांव है, अभी 2 दिन पहले आपका जेई जिसका आचरण आप जरूर चेक कराइएगा, सुबह से ही दूसरी व्यवस्था में लग जाता है, इतनी उसकी छवि खराब है, नाम होगा नहीं सदन में, आपके MD को भी मैंने सूचना दे दिया बना रहे, चीफ को आज मैंने सूचना दिया, बिजली महाजी सिंगारा लुनिया का पूरा काम है, न तार है न बिजली है, अब ये अलग अलग विषय तो उनके पास उत्तर नहीं होगा ना, और बिजली